हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द स्मीज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी परवल से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजीली तैयार होने वाली रेसिपी, दही वाले परवल फ्राई। बिना लहसुन और प्याज की ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो झटपट से फॉलो करें। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दही वाले परवल फ्राई बनाती हूँ। दही वाले परवल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले परवल को एक नाइफ से इस तरह से स्क्रैच कर लेंगे। दोनों ऊपरी भाग काट कर निकाल देंगे और एक नाइफ लेंगे और उससे इसे स्क्रैच कर लेंगे। ध्यान रखें इसे पीलर से पील ना करें, इस तरह से नाइफ से स्क्रैच करके तैयार करें। तो चलिए अब परवल फ्राई के इंग्रेडिएंट्स देखती हूँ। 250 ग्राम परवल ली हूँ, जिसे नाइफ से स्क्रैच करके धोकर दो भाग में बांट के रख ली हूँ। मसालों में आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा का पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला का पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार यूज करूँगी, दो बड़े चम्मच फेटी हुई दही ली हूँ और 3 से 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। मैं सभी इन्ग्रीडियंट और उसका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। परवल फ्राई बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर उसे थोड़ा गर्म कर लें। फ्लेम को लो टू मीडियम पे करके एक एक करके परवल डाल दें और इसे पलट पलट कर गोल्डन कर लें। परवल को तेल में डालने पर तेल के छींटे पड़ सकते हैं, तो आप चाहें तो इसे ढक्कन लगाकर फ्राई करें। 2 से 3 मिनट तक एक साइड पकाने के बाद परवल को पलट दें। ये देखिए एक साइड ये गोल्डन हो गया है। यहाँ पे इसे 75 से 80% तक पका लेना है। पलट कर इसे ढक दें और 1-2 मिनट तक पकने दें। 1-2 मिनट तक इस साइड में पका ली हूँ। अब एक एक करके इसे चेक करूँगी, ये दोनों साइड गोल्डन हो जाएगा तो इसे निकाल लूँगी। इसे पलट के देख लूँगी, जो गोल्डन नहीं हुआ होगा उसे गोल्डन कर लूँगी और जो हो गया है उसे निकाल लूँगी। परवल तैयार है, अब इसका मसाला तैयार करना स्टार्ट करें। अब कढ़ाई से तेल निकाल लें। 1 बड़ा चम्मच तेल कढ़ाई में रहने दें, इसमें जीरा डाल दें। जीरा मैं इंग्रेडिएंट्स में बोलना भूल गई थी। जीरा पक गया है, अब फ्लेम को एकदम लो पे रखें। इसमें सूखे मसाले डालें, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया का पाउडर। इसे 30 सेकेंड तक भूनें। 30 सेकेंड तक लो फ्लेम पर मसालों को भूनने के बाद इसमें फ्राई किए हुए परवल डाल दें। ध्यान रखें मसाले जब भूनें तो फ्लेम एकदम लो पे रहें। अब नमक डाल दें टेस्ट के अनुसार, अच्छे से मिक्स करें। नमक को मिक्स करने के बाद इसमें जीरा का पाउडर और गरम मसाला का पाउडर डाल दें। बिना लहसुन और प्याज का ये परवल फ्राई खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और झटपट से तैयार हो जाता है। अच्छे से मिक्स करें। सभी मसालों को परवल में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। ये देखिए परवल सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें फेटी हुई दही डाल दें। पूरे परवल फ्राई बनाने के दौरान फ्लेम को कभी भी मीडियम या हाई पे ना करें, फ्लेम को एकदम लो पे रख के ही इसे बनाएं। अच्छे से मिक्स करके इसे ढक दें, 1-2 मिनट तक पकने दें। 1-2 मिनट तक परवल को लो फ्लेम पे पकाने के बाद फ्लेम को बंद कर दें। परवल फ्राई बनकर तैयार है, इसे मैं सर्व करूँगी। इसे आप रोटी पराठे के साथ खाएँ, इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए बिना लहसुन और प्याज के बनी हुई परवल की ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही इजी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।